जिस लड़की को लोग बचपन से ही बंदर और पागल कहकर बुलाते थे, उसने इतिहास के पन्नों को मरोड़ कर रख दिया। सात समंदर पार जाकर खेला ऐसा खेल कि देखती रह गई दुनिया और भारत के लिए जीत लाई गोल्ड मेडल। उसके पिता से लोगों ने बोला कि बंदर जैसी लड़की ऐसे अनाथालय छोड़ाओ, क्यों चक्कर में पड़े हो। पिता ने नहीं मानी लोगों की बात और बेटी ने रच दिया आज इतिहास। आप दुनिया तमाशा देख रही है। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि सब्र कर बंदे दिन गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। ये कहावत सच साबित हो गई आज इस लड़की के साथ, क्योंकि जिसके चेहरे को देखकर लोग उसका मजाक बनाते थे, उसे बंदरिया और पागल कहकर बुलाते थे, आज उसने अपना और पूरे भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया और सात समंदर पार जाकर जीत लाई गोल्ड मेडल। दरअसल ये कहानी है दीप्ति जीवान जी की, जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी एथलीट है। इन्होंने एथलीट पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बता दें, दीप्ति द्वारा जीता गया ये गोल्ड मेडल भारत का इन खेलों के ट्रैक इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है। आज दीप्ति ने देश का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन इनकी कहानी वाकई हैरान करने वाली है। कहानी शुरू होती है दीप्ति के जन्म से ही। बता दें, जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता को यह सलाह दी गई कि वह अपनी बेटी को अनाथालय छोड़ाएं, क्योंकि जब वह पैदा हुई तो माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। इतना ही नहीं, जन्म के समय दीप्ति का सिर बहुत छोटा था और उनके होंठ और नाक सामान्य नहीं थे। दीप्ति को देखकर लोग उसे बंदर और पागल कहकर बुलाते थे। दीप्ति का बचपन शुरू से ही गरीबी में बीता। उनके दादा की मौत के बाद परिवार को जमीन बेचनी पड़ी थी। इसके बाद पिता ने 100 से 150 रुपए कमाते हुए अपना जीवन यापन किया। दीप्ति की माँ और बहन भी परिवार चलाने के लिए दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी। जब वो बड़ी हो गई, फिर भी गांव के लोग उसे लगातार ताने मारते थे। परिवार वाले कोशिश करते थे कि दीप्ति इन सब चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। बता दें, दीप्ति की प्रतिभा को सबसे पहले पीटी कोच यानी वेंकटेश वराइप्यू ने पहचाना। रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत उन्होंने गांव में दीप्ति की प्रतिभा को पहचाना। दीप्ति को ट्रेन करने के लिए एक खास कोच की जरूरत थी। यह कोच उन्हें हैदराबाद के साइंस सेंटर में मिला। दीप्ति के परिवार के पास बेटी को हैदराबाद भेजने तक के पैसे नहीं थे। हालांकि एन रमेश ने परिवार को समझाया और अपनी जिम्मेदारी पर दीप्ति को ले गए। फिर साइंस सेंटर में दीप्ति को उन्हीं के स्तर पर जाकर रेस और उसके नियम समझाए। दीप्ति के करियर में अगला बड़ा मोड़ तब आया जब नेशनल बैडमिंटन कोच गोपी चंद ने स्टेडियम में उन्हें अभ्यास करते देखा। उन्होंने रमेश को सलाह दी कि दीप्ति को सिकंदराबाद भेजा जाए, जहां दीप्ति जैसे एथलीट को खास ट्रेनिंग दी जाती है। गोपी चंद की माइटा फाउंडेशन की मदद से दीप्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन जापान के कोबे में दीप्ति ने सभी की मेहनत को सोने में बदल दिया और अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से हर उस इंसान का मुंह बंद कर दिया जो कि दीप्ति को उनके रंग रूप मानसिक कमजोरी पर आंक रहे थे। अब दीप्ति ने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और देश को उनके खेल से सबसे बड़े मंच पर गोल्ड मेडल की उम्मीद है। खैर, दीप्ति की यह कहानी अब हर इंसान के लिए नजीर बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट।